अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा। तो मैंने फ्रिज में से चिकन बाहर निकाल दिया है और मैं मार्केट गई थी तो तैयार बेस लाई हूँ। अब हम चिकन को छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे चिकन के। छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है मैंने। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, थोड़ी ही डालना है हल्दी। इसमें भुना कूटा जीरा डाल देंगे आधा चम्मच, काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर दिया है। हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ ढक कर रख देंगे। 2-3 बूंद लेमन का रस छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई गरम रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे हम। इसका भी पानी छूटेगा। अच्छे से कुक होने देंगे हम। इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। ये हमारी अच्छे से चिकन गल रही है। यहाँ पर मैंने चीज़ छीन कर रख दिया है। मेरे पास मोजरेला चीज़ नहीं है, मैं यही चीज़ डालूँगी। यहाँ पर मैंने मेरी सब सब्ज़ी कट गई है। चिकन भी अच्छे से पक रही है हमारी, पानी सूखने की तैयारी है। चिकन हमारी पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक पतली फ्राई पैन ले लिया है और एक ये वाली। मैं इसको डबल रखूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। हमारे पास ओवन नहीं है तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अभी हम सॉस बना लेंगे। मेरे पास टमाटो केचप है। मेरे पास ये हेलमंस का मायोनीज है। ये मायोनीज बहुत टेस्टी है। ये हम इसमें मिला देंगे। मैंने इतना मायोनीज इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं शेजवान चटनी डालूंगी थोड़ी सी। इसमें हम शेजवान चटनी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी हमारी रेडी है और इसको मैंने चखा है, बहुत टेस्टी लग रही है। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है इसलिए मैंने ऐसी बनाई हूँ। अब हम इस पे लगा देंगे वो चटनी हमारी, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सॉस लगा दिया है। अब मैं इसमें वो चीज़ डालूँगी। यहाँ पर मैंने चीज़ लगा दिया है। यहाँ पर हम सब्ज़ी लगा देंगे।
यहाँ पर हम ये हमारी मिर्ची लगा लेंगे। मैंने अभी तक गैस को बिल्कुल ऑन नहीं किया है, बस वो फ्राई पैन पे रखा है। अब इसमें हम टमाटर लगा लेंगे। जब मैं बच्चों को पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो खा सके। और पिज़्ज़ा में से तो कोई सब्ज़ी निकाल के फेंकने वाला है नहीं, सब पेट में ही जाने वाली है। बिल्कुल सही है ना। अभी हमने यहाँ पर हमारे टमाटर भी लगा दिए हैं, तो कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे प्लीज़ बोलना। अब मैं यहाँ पर चिकन लगा दूँगी। चिकन भरपूर डालेंगे हम, कि मैंने ज़्यादा ही बनाया है। यहाँ पर मैंने चिकन भी लगा दिया है। अब मैं इस पर और थोड़ी चीज़ डालूँगी। मेरे बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद है तो मैं चीज़ ज़्यादा डालूँगी। ये हमारा फाइनल लुक। अब मैं गैस को ऑन कर दूँगी और 10 मिनट धीरी आंच पर इसको, और चेक करते रहना बीच बीच में। मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी। इसमें मैं ओरिगैनो डाल दूँगी। सब जगह धीरे धीरे फैला लेंगे हम, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। बहुत ही माशाल्लाह लग रहा है। इसको मैं 10 मिनट ढक दूंगी। जब तक वो पहला वाला पिज़्ज़ा बन रहा है तो मैं दूसरा भी लगा लूंगी। मैंने यहाँ पर सब लगा दिया है, अब बस चिकन बाकी लगा। और ये भी हमारा तैयार हो गया है। हम इसको धीरे से नीचे से देखेंगे, कहीं ये जल ना जाए, धीरे से चेक करेंगे। इसको धीरे से हम उठा कर देखेंगे। नहीं, बिल्कुल जला नहीं हमारा। इसको और 10-5 मिनट पकाएंगे। देखिए, मैंने फ्राई पैन के नीचे एक और फ्राई पैन रखा है। आप भी ऐसे ही रखिए, ओवन ना हो तो हम ऐसे भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और दूसरा भी मेरा यहाँ रेडी है। ये हमारा तैयार हो गया है पिज़्ज़ा। अब इसको मैं निकाल दूँगी। इसको मैं निकाल दूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये हमारा बन गया है। अब मैं दूसरे को भी लगा दूंगी। थोड़ा ऑयल का हाथ लगा दूंगी। थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लेंगे हम। अब इसको भी लगा दूंगी मैं दूसरे वाले को। बिस्मिल्लाह, धीरे से रखिए। मैं कटिंग कर दूंगी। माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा बना है। इसको मैं कटिंग कर दूंगी। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है। माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा बना है। हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया है। चलो खाने। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।